हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, या फिर हम कोई सम्स स्पेसिफिकली फ्रॉम चैप्टर सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम सम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डाउट रिक्वेस्ट वी हैव रिसीव्ड ऑन आ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो मेरे एक स्टूडेंट को ये सम्स में इशू हो रहे हैं टू इवैल्यूएट। सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ ईजी वे। इवेल्यूएट, हमें बोला गया है इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली दे वॉन्ट अस टू सॉल्व दिस इक्वेशन बेसिकली। ओके, सो 27 डिवाइडेड बाय -3। सो ये हमें सिर्फ उनको सॉल्व करके इसका आंसर देना है। सो लेट अस डू इट वन बाय वन। सो फर्स्ट बोला है हमें 27 डिवाइडेड बाय -3। सो डिवाइड मीन्स वॉट? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड मीन्स अपॉन -3, करेक्ट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कैंसलेशन करना है। कैंसलेशन मीन्स आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिनमें ये दोनों नंबर है। सो 3 के टेबल में ये दोनों है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 9 27, बिकॉज 3 के टेबल में 27 9 की जगह पे है। सो इट इज 3 9 27 एंड दिस इज 3 × 1। ओके, सो मैं ये 3 3 कट कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचेगा, 9 अपॉन ये माइनस एंड ये 1। सो दिस इज -1, सो दिस इज नथिंग बट ये माइनस साइन ऊपर चले जाता है, विच इज -9। तो इसका आंसर आएगा आपको -9। ओके, इसका और एक तरीका मैं बता देता हूँ इजी वे, या फिर आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कहीं पे भी माइनस साइन है तो वो ऑटोमेटिकली आपको न्यूमरेटर में भेजना है, वो न्यूमरेटर में चले जाती है। अब कैसे जाती है उसका मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कैसे जाती है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो हमारे पास था 27 डिवाइडेड बाय -3। सो बेसिकली होता क्या है, हमें डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखना है। सो हम क्या करते हैं, इसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, -27 अपॉन -, हो जाएगा। सो दिस इज 3 1 3। सो ये हमारा हो गया अब -27 अपॉन 3। अब इसे सिंपली हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 3 9 ज़ा, दिस विल बी 3 1 ज़ा, 3 3 कट। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास न्यूमरेटर में -9 आ गया। ओके, हम आगे के सम सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ओके, अब हम ये सम सॉल्व करते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 3 भी है एंड 36 भी है। सो दैट इज 3 का टेबल। सो 3 के टेबल में 12 3 ज़ा इज 36, एंड माइनस साइन आपको कहीं पे भी छोड़नी नहीं है। इफ़ यू मिस टू पुट माइनस साइन, योर एंटायर सम विल बी रॉन्ग, बिकॉज दिस माइनस हैज़ वैल्यू। ओके, एंड 3 इज 3 1 ज़ा, दिस 3 गेट कैंसल, दिस 3 गेट कैंसल। आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा है, -(12) इज -12, दिस इज सिंपली 1। इसे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सो दिस इज नथिंग बट -12। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, विच इज 45 डिवाइडेड बाय -5। दिस इज 45 डिवाइडेड बाय -5। तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय -5 करेंगे। दिस इज 5 9 ज़ा 45, दिस इज 5 1 ज़ा 5, ये माइनस हमें छोड़ना नहीं है। सो दिस 5 गेट कैंसल्ड, हमारे पास क्या बचा, 9 अपॉन -1, विच इज नथिंग बट -9, ये नीचे चले जाएगा। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर है तो वो नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर 1 है सो इट इज़ ओके, अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो भी करेक्ट है। ओके, देखो यहाँ पे भी 1 था तो हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे भी 1 था हमने मेंशन नहीं किया। ओके, बट अगर फॉर एग्जाम्पल 2 है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखते हैं आगे के सम्स में आएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट सम्स है, सम है -45 डिवाइडेड बाय -15। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, -45 डिवाइडेड बाय -15। सो ये ऐसा कोई टेबल जिसमें 15 भी है एंड 45 भी है, सो दैट इज 15 3 ज़ा एंड दिस इज 15 1 ज़ा। तो दिस 15 गेट कैंसल 15 गेट कैंसल। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। सो यू कैन कैंसिल नेगेटिव साइन
इफ दे आर प्रेजेंट इन बोथ एट बोथ द प्लेसेस न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगी. तो आपके पास आंसर क्या बचा, 3/1 विच इज नथिंग बट 3. ओके पॉजिटिव 3. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम विच इज 16 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4. सो ये होगा 16 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4. सो दिस विल बी 4, 4 जा 16, दिस विल बी 4, 1 जा, ये 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट ये साइन ऊपर चले जाएगी, सो दिस विल बी माइनस 4. ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, नेगेटिव 16 डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव 16 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज नथिंग बट 4, 4 जा 16, this is 4 ones are 4 get cancelled, 4 get cancelled, negative 4 is minus 4 into plus plus 4 into minus 1, this is nothing but 1, 4 ones are 4 ones are na cancel ho gaya. So this is positive 4 into minus 1, this is negative 4, aur yahan pe sirf 1 hai, so ye aap 1 likh bhi sakte ho, nahi likhoge to bhi it is correct. Okay let's move on to next sum which is this sum, negative 620 divided by 1. So negative 620 divided by 1 is nothing but negative 620. तो अगर आप अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो एनीवेज उसका इतना ज़्यादा ये नहीं है बिकॉज न्यूमरेटर में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म. करेक्ट. सो आपका आंसर होगा नेगेटिव 620. ओके नाउ 68925 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1. 68925 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1. सो दिस विल बी 68925 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1. कुछ नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव साइन आपको ऊपर लेना है. दिस विल बी 68925, नेगेटिव 68925. दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, 7872 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1, 2, 3. सो नाउ वी विल हैव टू सी, यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा. ओके 3, 4, 5, 6 या फिर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करके इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. 7, 8, 9, 8 plus 7, 7, 7, 14, 15. 14, 15, 16, 24. Okay, so this is divisible by 3. So अगर हम 3 से करें, so हम देखते हैं हमें क्या मिलता है. So 3, 2 जा 6, 1 कैरी होगा. 3, 6 जा 18, 3, 2 जा 6, 1 कैरी होगा. 3, 4 जा 12. Okay, now 3, 4 जा 12 and 3, 1 जा. So ये 3 कट, 3 कट. अब आपके पास नंबर क्या है, 2624 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 41. ये माइनस साइन को आपको भूलना नहीं है. ओके बट नाउ आई थिंक 41, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 41 इज अ प्राइम नंबर. सो आपको ये डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 41 फाइव जा चेक कर लेते हैं. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. लेट्स मूव ऑन टू 7, 7 4 जा 28. लेट्स सी 6, 6 4 जा 24. सो वी कैन यूज 6, 6 जा 2, 46. सो दिस विल बिकम 5, दिस विल बी 12, दिस विल बी 6, दिस 4 विल कम, 5 minus 4 is 1. ओके लेट अस सी फॉर 4 ऑल्सो. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. सो दिस इज 164. ओके सो दिस इज 4 जा 164 एंड 0 0. सो यू हैव 0, सो दैट मीन्स 41 मल्टीप्लाइड बाई 64 इज 2624. सो 41 का फैक्ट 2624 का फैक्टर इज 41 इंटू 64 एंड यहाँ पे नेगेटिव 41 इंटू 1. दैट्स इट. ओके आई होप यू गाइस गॉट दिस. ये मैं रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. एंड ये आप 41 आप कैंसिल कर सकते हो. आपके पास बचा 64 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1, सो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव 64. ओके हमने किया ये सम. अब ये होगा हमारा लास्ट सम
ये सम थोड़ा कट हो चुका है, आई थिंक दिस इज 5 3 8 9 2 ओनली, दिस इज 53 892 डिवाइडेड बाय -53 892। अगर ये 2 नहीं है तो जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट नंबर, आई विल डू दिस सम अगेन इफ रिक्वायर्ड। ओके, सो ये होगा 53 892 डिवाइडेड बाय -53 892। सो ये तो पता है आपको, ये वनजा वनजा होगा, सो बेसिकली ये होगा 1/-1, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है बट ये नेगेटिव साइन आप छोड़ नहीं सकते, सो ये 1/-1 हो जाएगा, सो ये नेगेटिव साइन ऊपर चले जाएगा, दिस इज नथिंग बट -1। ओके, सो दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ऑल दिस अप्रॉक्सीमेटली 10 सम्स। अगर इसमें से कोई भी सम नहीं समझा, कैलकुलेशन नहीं समझा, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे, एंड देन डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आपके डाउट्स आते रहने दो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे है, टॉप पे आप देख सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स भेजते रहिए, आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ओके, सो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।